फिल्म एनिमल का शॉर्ट टीजर सामने आ चुका है। टीजर में हाथ में कुल्हाड़ी लेकर रणबीर कपूर दुश्मनों को मारते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म एनिमल के चर्चे काफी समय से थी और फिल्म अब रिलीज के करीब है। रणबीर कपूर का फिल्म से जुड़ा फर्स्ट लुक सामने आया और लोगों में फिल्म को लेकर एक उत्सुकता सोशल मीडिया पर देखने को मिली। बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर की पिछली फिल्म सुपर हिट रही और फैंस को फिल्म एनिमल का इंतजार है। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि फिल्म के लिए रणबीर कपूर व बाकी स्टार कास्ट ने कितनी फीस चार्ज की। रणबीर कपूर फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर लीड एक्टर के तौर पर नजर आएंगे। फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर का लुक तो काफी वायरल हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के लिए रणबीर कपूर को 70 करोड़ के आसपास फीस मिली है। रश्मिका मंदाना फिल्म एनिमल में रश्मिका मंदाना लीड एक्ट्रेस हैं। कई बार रणबीर के साथ शूटिंग की तस्वीरों में रश्मिका नजर आई हैं। रश्मिका और रणबीर पहली बार साथ में काम करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के लिए रश्मिका को 4 करोड़ रुपए फीस के तौर पर मिले हैं। अनिल कपूर फिल्म एनिमल में अनिल कपूर भी नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल फिल्म में रणबीर कपूर के पिता का किरदार निभाएंगे और खबर है कि उन्हें फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपए फीस के तौर पर मिले हैं। बॉबी देओल फिल्म एनिमल में बॉबी देओल भी नजर आएंगे और उन्होंने अपने लुक पर खूब काम किया है। वेब सीरीज आश्रम में अपनी दमदार पारी खेलने के बाद बॉबी देओल अब फिल्म एनिमल में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉबी को फिल्म के लिए 4 करोड़ रुपए फीस के तौर पर मिले हैं। राघव बिनानी फिल्म एनिमल में राघव बिनानी का किरदार कैसा होगा इसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के लिए उन्हें 50 लाख रुपए फीस मिली है। बिपिन करकी फिल्म में बिपिन करकी ने अहम किरदार निभाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने किरदार के लिए उन्हें 50 लाख रुपए फीस के तौर पर मिले हैं।